Yes, ma'am, you can continue. Okay, so am I audible, right? Should we check? I think we are having some technical issues. Can you hear? Ma'am, I think you can start speaking. Okay. So, is it working? Okay. Thank you. So, hi, I'm so sorry for the delay. We faced some technical issue. So, just a second. Next slide. Can you close this gate? Okay, so today we'll talk about the climate education. So here we are presenting like जो हम जिसके ऊपर काम कर रहे थे, green यात्रा जिसके ऊपर काम कर रही है. So this is about like हमने एक project बनाया climate education का, जिसके अंदर हम चाहते हैं जो हमारी future generation है, हमारी corporates हैं, वो सब लोग इस climate education को, climate को लेके empathize हो. जो हम आज तक like being the millennial, हम आज sustainability को लेके बहुत ज़्यादा aware हो गए हैं. हमारी आने वाली जो मिलेनियल्स के बाद की जो जनरेशन है वो अवेयर होगी, लेकिन इससे पहले की जो जनरेशन जो अनअवेयर थी और या फिर नोइंगली या अनोइंगली थोड़ा सा क्लाइमेट क्राइसिस को हमारी जो कर रही थी, उसके लिए हम जो अब इम्पैक्ट हो चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं, उन क्लाइमेट क्राइसिस को हम अब किस तरीके से स्टैंड कर सकते हैं, हम उन्हें किस तरीके से अब मिटिगेट कर सकते हैं और थोड़ा सा कम करके, एंड जो हैजार्ड्स हुए हैं उन्हें हम किस तरीके से अब पलट सकते हैं. तो क्लाइमेट एजुकेशन इज मोर एंड मोर अबाउट दैट. सो अभी हमारे टीम के अंदर सैंड्रा है. सैंड्रा बहुत सारे सेशंस हमारे यहाँ दे चुकी है. तो सैंड्रा हमारे क्लाइमेट एजुकेशन के जो सेशंस है स्टूडेंट्स को एज वेल एज कॉर्पोरेट्स को ये सेशन देती हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि हमें किस तरीके से करना है. तो आज मैं और सैंड्रा इस पर डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या इसके अंदर हमें क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स मिले हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्स मिले हैं लोगों के, और क्या चीजें हुई हैं जो हम उसके अंदर, और मतलब हमें क्या लगता है कि हम और क्या क्या चीजें कर रहे हैं. सो दिस इज समथिंग इज लाइक अभी ये तो जो हमारा ग्रीन यात्रा है, जो हम चीजें कर रहे हैं, हम मेजरली हम एनवायरमेंट एनजीओ हैं और मेजरली हम अर्बन फॉरेस्टिंग, बायोडाइवर्सिटी पार्क और इस तरीके के काम कर रहे हैं. सस्टेनेबल सोल्यूशन के अंदर हमने काफी सालों से काम कर रहे हैं, बट नाउ इज द टाइम, बिकॉज अब वो हाइट आ चुका है जहाँ पे हमें उस चीज को लेके बहुत ही पेस के ऊपर, तेज पेस के ऊपर काम करना है और इन चीजों को करना है. सो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस में वी आर डूइंग दिस क्लाइमेट एजुकेशन, जो चीजें अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द क्लाइमेट एजुकेशन एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड. सो अगर हम कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करें, यहाँ पे देर आर वेरियस फैक्ट्स जो यहाँ पे मेंशन है हमारे, आप देखिए किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स हम फेस करें, किस किस तरीके के हम इम्पैक्टफुल स्टैट्स वाइज यहाँ पे मेंशन है, जो चीजें आप यू कैन रीड इट ऑल. यहाँ पे हम किस तरीके की चीजें हम फेस कर रहे हैं आज, जो लाइक हम अगर नॉर्मली बीज की बात करें तो अगर वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है, वो खत्म होती जा रही है, वी ऑल नो लाइक अगर बीज खत्म होगी तो दे से दैट 15-20 मिनट्स के अंदर ही पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, राइट सैंड्रा? करेक्ट, दैट इज ट्रू. And this is like all the habitats, all the other habitats है. So एक दो दिन पहले में हम इन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते. हम ऐसे समझते हैं कि ठीक है तो बहुत छोटी छोटी चीजें, how this can impact our climate. But species आपस में ही इतना इनका ecological web है, ये आपस में इतना जुड़े हुए कि एक चीज अगर खत्म हुई तो दूसरी चीज उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगी. करेक्ट. कोई भी चीज है, मतलब आप अगर आप ये सोचते हैं अगर टाइगर इंस्टिंक्ट हो जाए तो क्या हुआ, क्या फर्क क्या पड़ता है, बट टाइगर इज ऑल्सो somewhere
आपके इसके अंदर नेचर के अंदर कहीं ना कहीं वो है और हमारे कहीं ना कहीं हमारे इंसान से भी वो सब जुड़े हुए हैं. Actually, if you also see the mam, ये जो keystone species होते हैं जिन्हें कहते हैं, these are like those important pillars in the entire ecosystem. And यही अगर collapse हो जाए, like you said, हमारा पूरा ecosystem ही collapse हो जाएगा. Actually, सही बात कह रहे हैं आप. So हम सोचते हैं, और these are not like, we are not talking only about living species. There are many even plants as well. जो अगर वो plants खत्म होते हैं, अगर हम बात करें तो हम जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि green yatra के अंदर we only talk about native trees. And लोग अभी भी पूछते हैं क्या फर्क पड़ता है native non native, क्या फर्क पड़ता है. But अगर एक छोटा सा impact हम देखें तो हमारे यहाँ आज गुलमोहर भर भर के लगा हुआ है. Lantana. So this lantana, I was reading some two days before only I was reading lantana. हमारे almost 4 lakh square उसमें स्क्वायर हर्ट्स के अंदर फैल चुका है, हेक्टर्स के अंदर फैल चुका है पूरे इंडिया के अंदर. लंटाना इज लंटाना कामरा इतना ज्यादा हमारे जो ये टाइगर रिजर्व्स है इनके अंदर इतना ज्यादा फैल चुका है कि दिस इज एक्चुअली अब ये थ्रेट बन चुका है टाइगर्स की लाइफ को लेके. सो लाइक अगर एंड हमें सो लगता है कि एक स्पीशीज तो एक श्रब ही तो है, क्या फर्क पड़ता है टाइगर को, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा. बट इट इज इफेक्टिंग टाइगर की लाइफ को, लाइक वहां पे वो जो सॉइल क्वालिटी है उसको वो डिग्रेड कर रहा है, वहां पे जो न्यूट्रिएंट्स उनको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं उन लंटानियों से. सो दे आर पीपल नाउ एक्सक्लूसिवली वर्किंग जो लंटाना को पूरे के पूरे टाइगर रिजर्व से हटाने का काम कर रहे हैं. सो देर आर स्मॉल स्मॉल चीजें जो हम सोचते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता कि किस तरीके से काम कर रही है. हम नॉर्मली बात करें तो फास्ट फैशन की, लाइक I agree that we ladies are the most producer of fast fashion. और हम ऐसे होते हैं कि fast fashion, what is fast fashion? Like cheaper quality, not cheaper, but yes, comparatively cheap quality के clothes हैं, या जिसके अंदर polyester mix होता है, not 100% cotton जो होता है, वो हमें cheap rates पे मिल जाते हैं. हम उन्हें पहनते हैं, हमें लगता है 2-4 बार हुआ है, like throw it away. और इसी इसमें brands जो होते हैं वो बहुत बहुत ज्यादा production कर लेते हैं. जब वो brand नहीं बिकता है उनका, they must have gained there कि वो अपने benefit पे आ चुके होते हैं, then वो they throw it away. Yes. And what is happening? हमें लगता है कि ठीक है, वो गया फेंक गया कपड़ा, what's the big deal? नहीं, there is a garbage island exclusively उस fast fashion की वजह से बन रहा है, and that's a garbage island which is like bigger than somewhere near around like Washington DC से भी वो बड़ा होता जा रहा है, कुछ कुछ उसके बराबर या उसके बड़ा होता जा रहा है. The Great Pacific Garbage Patch, yes. जो Pacific Ocean में बन रहा है, yes. That is true. So these are small things which we really think कि अरे क्या फर्क पड़ता है, but they are making impact on our lives, directly or indirectly. Plastic के लिए तो मतलब अब तो इतना ज्यादा बोल चुके हैं हम लोग कि plastic, तो I hope कि everyone is aware कि plastic हमारे लिए कितना खतरनाक है. माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक लाइक मदर्स वोम में पाए गए, व्हिच इज लाइक उससे डेंजरस और क्या होगा, राइट. सो मदर वोम में एज वेल एज मदर मिल्क में, दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग कि आप मदर मिल्क में आपको प्लास्टिक पार्टिकल मिल रहा है. सो रिसर्च हैज प्रूव दैट इट हैज लिटरली गॉन एंटायरली अप द एंटायर फूड चेन, राइट. एवरी सिंगल बिट ऑफ अ फूड हैज माइक्रो प्लास्टिक. एंड हम लोग कैसे उसको मतलब ठीक है हमारा किस तरीके से यूज किया जाता है, हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं. सो पीपल व्हाट दे डू इज लाइक आई हैव सीन चिप्स के पैकेट्स, लाइक दे सेल इट ऑन 2-3 times हायर प्राइसेस. व्हाट दे डू, बाहर उनका पैकेट होता है आपका जो पेपर होता है उसका, एंड देन अंदर उनका होता है प्लास्टिक पैकेज. सो दिस इज लाइक कंप्लीटली ग्रीन वॉशिंग. दे सेल इट लाइक कि ओके हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, वी आर 100% बायोडिग्रेडेबल एंड ऑन मे बी लाइक हम प्लास्टिक यूज नहीं करते. सो समवेयर समवॉट हमारे हर खाने के अंदर, पानी के अंदर, एवरीवेयर वी आर गोइंग प्लास्टिक हमारे बीच में जा रहा है. सो दैट इज नेक्स्ट. So that is the thing जहाँ पे हमें आज climate education की requirement है. So climate education basically process है जहाँ पे हम students को, लोगों को, corporates को, anything जहाँ पे लोगों को हम ये aware करा रहे हैं कि ठीक है ये crisis हो चुके हैं, पहली बात तो इन्हें रोका कैसे जाए और आगे बढ़ने से, दूसरी बात अगर ये हो चुका है तो अब इनके लिए हम sustainable कैसे बन सके, हम कैसे उनको हम कैसे सामना कर सके उन चीजों का, किस तरीके से क्या मतलब उनको कर सके. तीसरी बात है कि हो गया आपने ठीक है हम रोकना है, सामना कैसे करना है, लेकिन अब उनको रिवर्स कैसे करना है, राइट. वन थिंग इज रिवर्सिंग ऑफ दैट, हम उसको किस तरीके से रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि आपने इतना कार्बन एमिट कर दिया है लेकिन उस कार्बन को ऑफसेट आप किस तरीके से कर सकते हैं.
तो दिस होल चेन इज क्लाइमेट एजुकेशन, जिसके अंदर हमारी सैंड्रा इज द एक्सपर्ट. सो आई गेस आगे वाली चीजें अगर किस तरीके से कर रही है सैंड्रा, एक बार आप प्लीज थोड़ा सा शेयर करिए. For me, though, I think climate education as a topic itself, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा you know crucial है. And हम at Green Yatra over here, हम जब लोगों को सिखाते हैं, we try to you know give them sessions, try to get them to do activities like during the sessions, जिसमें हम उनसे you know ताकि हम उन्हें दिखा सके. लाइक एग्जाम्पल, हम जब लोगों के साथ सेशंस करते हैं कॉर्पोरेट्स के साथ, तो एक ऑनलाइन एक्टिविटी है टू कैलकुलेट द कार्बन फुटप्रिंट. तो उसमें कैसे होता है, लिटरली एवरी स्टेप में दिखाते हैं कितनी कितनी चीजें हम यूज करते हैं, व्हाट वी कंज्यूम, हम क्या खाते हैं, हम कितना ट्रैवल करते हैं, ऑल ऑफ दीज माइनर माइनर थिंग्स आर कवर्ड, ताकि लोगों को एक्चुअली पता चले कि व्हाट इज द इम्पैक्ट दैट दे आर हैविंग इवन इन द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट दे डू. सो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं जो ग्रीन यात्रा में हम करते हैं फॉर आर क्लाइमेट एजुकेशन इज व्हाट एक्चुअली थ्रोज लाइट ऑन इवन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ इश्यूज, ताकि लोगों को ज्यादा अवेयरनेस मिले. एंड व्हेन आई टेक दीज सेशंस, तो मुझे रियलाइज होता है कि लोग जो चीजें हमें बेसिक लगती है, जब लोग उन चीजों को सुनते हैं, दे आर लाइक ओ माई गॉड, हमें तो पता ही नहीं था ऐसा होता है. यू नो लाइक द पैसिफिक गार्बेज पैच दैट यू स्पोक अबाउट, आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि ऐसी भी कोई एक चीज है हमारे पैसिफिक ओशन में. एग्जैक्टली. एंड ये चीज ये आइलैंड जो है किस चीज से बना है, रॉक्स एंड ट्रीज नहीं, इट्स मेड फ्रॉम कचरा लिटरली. दीज थिंग्स पीपल डोंट नो, एंड दीज थिंग्स है जो हम कर रहे हैं. सो I personally had this experience climate education में कि there is very less awareness. सबको पता है climate change हो रहा है, but उसके बारे में क्या, हाँ ठीक है हो रहा है, somebody's issue not mine. लोगों का ये ये attitude होता है लोगों का, and that is what we need to change. And that is why climate education becomes so important in today's day and age. Exactly. तो अभी तक वो एज यू राइटली सेड, वो लोगों को लगता है कि अच्छा ये तो कोई और देख लेगा, मैं तो अभी कर रहा हूँ ये तो कोई और देख लेगा, एंड वो कोई और आज तक कोई हुआ नहीं है. और ये चीजें बढ़ती जा रही है. एंड मैंने देखा है, मतलब जब हम सेशंस सैंडा भी करती है, जब हम करते हैं तो उसके अंदर जब उनको बताया जाता है कि जब कार्बन एमिशन उनका निकाला जाता है, तो दे आर लाइक अच्छा ये तो पता ही नहीं था इतना कार्बन एमिट हम कर रहे हैं. And this is like simple, जैसे हमने जो हमारे previous sessions है कि carbon calculation आपको किस तरीके से करना है, you can watch those on our pages and social media handles. So those like वहाँ पे simply लोग देख रहे हैं कि अगर आप एक email भी कर रहे हैं तो you are emitting some kind of carbon, and right? This thing people don't even know about. So yes. Many people. So nowadays after COVID तो वैसे भी OTT platforms तो इतना बढ़ गया, but if you are live streaming something like हम भी अभी carbon emit कर रहे हैं कुछ हद तक. So if you are live streaming something, you are scrolling something, you are going through any, even if you are browsing an internet, then also you are emitting some kind of carbon. Correct. If you are eating a cookie, that cookie also makes an impact. So these are the small small things which we include in our climate education where we make, and this is not like कि हम लोग ये ऐसे ही हवा में कर रहे हैं. We have this UN के जो कुछ goals हैं, SDG goals हैं जो 2030 के हैं, उनके अंदर different goals हैं, और उस उन goals को मिला के like this is climate education is a major part of that. They have a full right of that कि उन्होंने पूरा बना रखा है कि आपके क्या-क्या rights होने चाहिए, आपको किस तरीके से climate education आपको aware होना चाहिए कि climate crisis क्या है, आप adaptation किस तरीके से कर सकते हो उन crisis का. They have whole thing on that. Sometimes later maybe we can have a session on that as well. So basically अभी तक जिस तरीके से हम अभी कर रहे हैं और majorly और की भी companies जो इसमें involved हैं, तो सब ये कर रहे हैं कि दो तीन तरीके की main चीजें इसमें हम online sessions के through लोगों को aware करा सकते हैं. In-person classes होती है जहाँ पे जितनी जनता हो, like 200-300 लोग भी हैं, उन लोगों से एक interactive session होके हम उन लोगों को aware करा सकते हैं. Lectures होते हैं, online lectures भी we also provide, and also like people have jinhone lectures ki ek puri series bana rakhi, they can give hands on workshops hoti hai jahan pe log dekhte hain. Like we have this climate education ke andar we have one thing also like best out of waste ka workshop, jiske andar kya hota hai ki koi bhi waste, even if aapka raddi paper, how can you make a lifafa from the raddi paper, that lifafa you can use as a bin liner, right? So you don't require that plastic ka garbage bag, you for at least for dry waste. You make a bin liner from your newspaper and you use it, and at least have a try garbage bag usme dali. So these are the part of our best out of waste workshops.
नेचर ड्रिल हमारे केस के अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक वी आर वन ऑफ द लीडिंग अर्बन फॉरेस्ट क्रिएटर्स. तो हम लोग ये प्रोवाइड कराते हैं नेचर ड्रिल, जहाँ पे हम लोगों को लेके जाते हैं, उसको बताते हैं नेटिव स्पीशीज के बारे में, लोगों को अवेयर कराते हैं व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, क्या पेड़ आपका, कौन सा पेड़ कितनी ऑक्सीजन आपका कंज्यूम कर रहा है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ऑफसेट कर रहा है. सो दीज आर द थिंग्स जहाँ पे लोगों को समझ में आता है कि ठीक है, हमने क्लाइमेट एडुकेशन में उनको समझ में आया कि इतना हमने कार्बन प्रोड्यूस किया था, बट दीज आर द स्पीशीज जिनके थ्रू हम एंड बोथ ऑफ दिस इनडोर एज वेल एज आउटडोर हम दोनों की ही जानकारी देते हैं, राइट? सो उनके अंदर कि हम एक किस तरीके के प्लांट्स यूज करें जो हमारे मेजर ऑफ द कार्बन को ऑफसेट कर सके. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हम प्लान करते हैं. Anything you want to say, Sandra, on this? Not really. I really think that this whole, you know, like आपने कुछ देर पहले कहा ना, just हवे में बातें नहीं हो रही है. People are going out there and actually seeing, and that is something I personally feel is incredible, because वो important है. सुनना it's like, you know, lecture सुनो and then भूल जाओ, ऐसा हो जाता है. But when you do it, then you feel like yes, I am doing something. And that is how like this हम climate education को corporate से industries के अंदर हम इसलिए ज़्यादा pitch करना चाहते हैं because they people are the most unaware people, which I guess like school के अंदर तो क्या होता है कि study के through and सब चीज़ों के through आप कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझ में आती है. जो industries and corporates होते हैं वो अगर उन्होंने दिन भर अपना AC चला रखा है तो उन्हें पता ही नहीं है कि वो दिन भर में कितना ज़्यादा climate को नुकसान पहुँचा चुके हैं. आप एक पूरे दिन के अंदर हमारे ऑफिस के अंदर, इफ आई से, तो वी कैन प्राउडली से दैट हम हमारे ऑफिस के अंदर इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं कि हमारे यहाँ पे नेचुरल लाइट बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन है, हम टेबल फैंस यूज करते हैं, सॉरी स्टैंडिंग फैंस यूज करते हैं, विंडोज ओपन करके रखते हैं. सो अनटिल अनलेस इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड वी डोंट यूज एसी. सो दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस हमारे आजकल के कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर एकदम खत्म हो चुकी है, राइट? एब्सोल्युटली. सो वहां पे ना नेचुरल वेंटिलेशन है, वहां पे ना आपका नेचुरल लाइट्स है. सो मतलब एनीथिंग इज कि जहां पे आप आपके पास में लाइट पोल्यूशन कम करने का कोई तरीका नहीं है, आपके पास में कार्बन एमिशन का पोल्यूशन कम करने का कोई तरीका नहीं है. इफ यू गो आप टॉयलेट के अंदर जाइए, वहां पे ढेर लगा होता है टिश्यू पेपर का, टिश्यू पेपर वेस्ट का. ठीक है, फॉर एनी अदर पर्पस यू कैन यूज टिश्यू पेपर, बट इफ यू वॉन्ट लाइक फॉर दी हैंड वाइपिंग यू कैन यूज अ क्लोथ दिस, राइट? फॉर पेपर बैग्स, पेपर कप्स की जगह पे यू यूज, लाइक हमारे ऑफिस के अंदर अगेन आई कैन प्राउडली से दैट वी यूज आवर ओन मग्स. Sandra has her own mugs. We all of them has own their own mugs. We have our own plastic, this glass bottles. और स्टील बॉटल्स. सो वी डोंट यूज दिस काइंड ऑफ थिंग कि प्लास्टिक का कुछ हमें लेना है या पेपर का, जब भी कोई चाय या कॉफी वाला कुछ हमें लेना है कुछ तो हम उसके अंदर करें. फॉर ईटिंग एज वेल वी डोंट यूज एनी प्लास्टिक या पेपर का कुछ भी, वी हैव दोस स्टील का और अदर अदर प्लेट्स जहाँ पे हम जाके हम उन्हीं को रीयूज करते हैं, खाना खाया एंड देन वी क्लीन इट अप एंड देन वी रीयूज इट नेक्स्ट डे. Correct. So these are the kind of practices we follow in as a corporate, as an organization. And ये जो आपके सामने सारे facts लिखे हैं, ये actually बताते हैं कि आज के industries and corporates की वजह से हमें कितना नुकसान हो रहा है. Right, Sandra? Right. In fact, the whole thing that caused climate change to accelerate in space par was industrialization, जो हुआ था back in the 1800s. And while it is not a bad thing, हम जिस तरीके से हम जिस तरीके से मिस यूज कर रहे हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स इज वॉट इज एक्चुअली ड्राइविंग क्लाइमेट चेंज. सो इट बिकम्स वेरी क्रूशियल फॉर कॉर्पोरेट्स एंड इंडस्ट्रीज टू अंडरस्टैंड द यू नो इम्पैक्ट ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन. यस, एंड व्हाई वी आर यूजिंग अगेन अगेन दिस स्टैटिस्टिक्स, ताकि उनको पता चले कि दिस इज नॉट समथिंग लाइक, अगर हम पहले स्टैट्स की बात करें विच इज समथिंग आई ओपनिंग, लाइक कि अगर हम सिर्फ 2 डिग्री अभी इवन कितना हम सब लोग ट्राई करें कि 1.5 से ज्यादा हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़े, बट इफ इट गोज टू 2 डिग्री, सी 1.5 मिलियन पीपल मतलब दे इंडियंस कैन डाई. दिस इज समथिंग ह्यूज, राइट? एंड दिस वी कैन नॉट सी फ्रॉम आवर ओपन आइज. दिस इज समथिंग लाइक कि अरे ये तो कहीं और हो रहा है, हमें क्या पड़ेगा. लेकिन वो होता है ना, जब तक हमारे पे नहीं दिखती है तब तक वो अर्जेंसी नहीं आता. एग्जैक्टली. कोविड की फर्स्ट वेव में पीपल वर लाइक कि अच्छा सब घर के अंदर घुसे हुए, सेकंड वेव में जब लोगों के साथ में कुछ अपनों के साथ में कुछ कुछ होने लगा, देन वी हैड दैट अर्जेंसी कि अरे समथिंग इज हैपनिंग.
right? Exactly. So, and COVID is again a part of climate crisis. All like we can discuss it. Some like this is a debatable thing, but something like whatever is happening, which is it is directly or indirectly connected to this climate crisis. Correct. So we need to understand that. And yes, so how we are doing it, so as we are again and again telling you, like we keep these sessions, we keep online sessions, we keep going to schools, we keep going to corporates, we keep going to we keep arranging those workshops jahan pe log kar sakte hain, we give them practical knowledge as well as practical examples that how we can do it. Like it is very easy to say ki aapki ki plastic bag mat use kijiye, but kaise mat use kariye aapko cotton bags, like we again I can probably say that humne is tarike ke projects kiye hue jahan pe we have replaced the dry waste and plastic waste of people with the cloth bags, jahan pe hum unhe cloth bag dete the and then we encourage them ki to use the cloth bags, right. So this is the thing. So Sandra arranges the sessions. वहाँ पे वो I'm sure Sandra please आप बताइए कि how is your experience when you do these kind of sessions and how do you feel how people are reacting to this? The thing that मैंने notice किया है जब ये सारे sessions लेते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं alternatives जब हम लोगों को बता देते हैं these alternatives. So as Indians, as an Indian tradition, actually हमारा जो lifestyle था वो काफी sustainable था earlier. Yes. When we started adopting all these Western methods is when we started to generate all of these waste. So the most simplest thing jo bolna padta hai logon ko is just go back to what you were doing. Hai na? Plastic ke badle apna khud ka thela le jao sabzi mandi mein, sabzi mandi se kharido instead of supermarkets. These are small basic things and it's already ready. Okay, it's very there for us as Indians. So it's very simple, but what I have noticed is it's easier na ye message bachchon ko convey karna rather than adults. For some reason adults mein wo bahut bada mind block hota hai ki are how I need sanitation and all of this and that and stuff, but that is a very problematic thing I feel is that jo hota hai hamare society mein for you know adults, it's so difficult for us to adopt different practices from what we are already you know doing. And I'm also sure कि आपने जब ये cotton bags हमारा जो green यात्रा का initiative था जो cloth bags देते थे बहुत सारे लोग it's like bag ले लेते हैं and then next thing they're just using their own plastic. Yeah. they don't have appreciation. It's very so इसके अंदर भी हमारे पास challenges ये आए थे कि like we were like कि हम पहले हम था because we work on the sustainability and we always believe on that, right? This is again climate education जहाँ हमें उन्हें educate करना पड़ा, but somehow वहाँ पे हम 100% successful नहीं हो पाए. So we started with this जो used clothes होते हैं उनके bags बनाने से, but people were so apprehensive to take them purely to किसी का use किया हुआ clothes. Though we did it like after the sanitation and everything, like हम पूरा proper उस clothes को wash करते थे, then उसका पूरा sanitization करके सब चीजें करने के बाद में हम उस clothes से bag बनाते थे. But people were like, "Nahi, nahi, ye to use clothes ka bag hai. We cannot use it and everything." But that sounds like a very nice initiative. Wow. Then again, we started making it from raw cotton. Oh, raw cotton and this thing. So that's what I'm saying. That climate education, like, our life ka ek part ban chuka hai. Hume, it is not like ye corporate ka koi session chalana hai hume, ya iske liye hume koi ek particular session ko use karna, koi join karna hai, usko wo sab karna hai. This is a day-to-day habit जो हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे हैं, right? And as you rightly said कि बच्चों के द्वारा ये चीजें बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी फैलती है. If I say like my daughter, अगर मैं बात करूँ तो she only use like this जो reusable cotton के hankies होते हैं, she like prefer to use that. उसको tissue दे दो तो she is not very much comfortable with that. So this is something, these are the habits जब वो हमारे सामने करते हैं तो we are also something की अरे अच्छा वो ऐसा करिए, let's us also do it. Correct. It is not like एक tissue निकाला है उनको साफ किया और फेंक दिया. It is like ठीक है cloth use किया है ठीक है उसको धो के दोबारा reuse. And it is so important to you know छोटे बच्चों में like from that age itself ये सारे habits डेवलप करने, बिकॉज देन लाइक यू सेड अडल्ट्स में भी हो जाता है वो, बट देन उनके पीयर्स में भी हो जाता है. इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर क्लाइमेट एडुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम राइट देयर इटसेल्फ. बिल्कुल अग्री अग्री.
एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग लाइक स्कूल के अंदर सैमन ने भी बहुत सारे किए हैं, हमारी टीम ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स किए हैं. तो स्कूल्स के अंदर हम एंड वी टारगेट स्पेसिफिकली अप टू लाइक 10 इयर्स किड्स ओनली, बिकॉज वो लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं इन चीजों को. उससे बड़े बच्चे ऑब्वियसली अपनी स्टडीज में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, सब चीज होती है, बट यहाँ के जो है 10 इयर्स अप टू 10 इयर्स वाले इतनी जल्दी अडॉप्ट करते हैं इन चीजों को एंड दे अंडरस्टैंड इट सो वेल. सो हम उन्हें अवेयर कराते हैं, हम उन्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाते हैं कि आप किस तरीके से चीजें चेंज करके आप अपनी बॉटल्स है प्लीज आस्क योर पेरेंट्स कि आप रिप्लेस करें प्लास्टिक बॉटल प्लास्टिक टिफिन को स्टील या फिर ग्लास बॉटल. अमन की के बच्चे हैं तो स्टील की बॉटल से स्टील के टिफिन से आप अपने कोई जो भी फूड आप लेके आ रहे हैं वी मेक देम अवेयर लाइक हाउ द फूड इज ग्रोन राइट सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड लाइक इट इज नॉट कमिंग अप फ्रॉम एनी बिग बास्केट और नेचर्स बास्केट समथिंग इट इज कमिंग अप फ्रॉम अ फार्म. It is correct. You have to grow your food and you will understand what is the importance of that food and then how it is consuming. Like जब आप अपने ठीक है किसी local vendor से ले रहे हैं आप किसी बड़े supermarket से ले रहे हैं तो how it is making a difference. So climate education is about sustainability and sustainability के तीन pillars ही हैं people profit and planet. Correct. So profit के अंदर भी when we are like जब हम लोकल कंज्यूमर्स को लोकल वेंडर्स को जब हम केटर करते हैं सो दिस इज इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली सपोर्टिंग दैट पीपल एंड प्रॉफिट वाला सेक्शन करेक्ट राइट एज वेल एज प्लैनेट वाला भी सो दैट क्योंकि उसके अंदर ट्रैवलिंग के अंदर जो भी आपका कार्बन एमिशन हो रहा है जो भी कॉस्टिंग इन्वॉल्व हो रही है वो वहां पे आपकी बच रही है. सो दीज स्मॉल स्मॉल माइन्यूट डिटेल्स वी आर मेकिंग किड्स अवेयर सो दैट दे कैन कन्वे दिस टू देयर पेरेंट्स एज वेल दे कैन कीप दैट in their own life. Correct. So that aage jaake wo us cheez ko kar sake. And it is so important for this thing to happen considering our own city, Mumbai. If you see, there was a survey which was done which showed that of all of the things that we generate, nearly 73% to 74% is only food waste. Yes. Plastic bhi kam hai. Plastic was just 70. Actually. Food waste is more. हमें फूड का इम्पोर्टेंस नहीं पता है. दिस मेक्स इट इवन मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो जब खुद से ग्रो करेंगे तब उसकी वैल्यू हमें समझ आ जाएगी. यस सो दिस फूड वेस्ट इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट व्हिच वी इंक्लूड इन आवर दिस क्लाइमेट एडुकेशन जब हम किड्स के साथ में करते हैं. सो दीज आर द थिंग्स जो हम जिस तरीके से करते हैं लाइक हम लोग उन्हें कोशिश करते हैं कि हम एक तो वही है जो हम बार बार कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन सेशंस करते हैं हम बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर वॉक करवा के उन्हें हम बच्चों को एज वेल एज बड़ों को भी. सो इट इज नॉट लाइक कि 100% से बच्चे ही हमें रिस्पॉन्स करते हैं. इट इज लाइक कि बड़े भी व्हेन एज सैंडा सेड वंस कि अभी जब उन्हें पता चलता है कि अच्छा दीज आर द इम्पैक्ट्स व्हाट वी आर क्रिएटिंग व्हाट वी आर मेकिंग लाइक डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑन द क्लाइमेट then they get the tip, oh, ऐसा भी कुछ हो रहा है हमारे साथ में हमारी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है. सो when they go to this kind of like हमारे nature trails के अंदर जाते हैं वहां पे चीजों को देखते हैं how the biodiversity is affected how one species like अगर मैं बात करूँ रेन ट्री गुलमोहर अगर ये लगा हुआ कहीं पे और हमारे यहाँ पे जब नेटिव ट्रीज को देखते हैं वहां पे वो एक छोटे छोटे स्पीशीज की पूरी बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हो रही है. देर इज स्नेक्स एज वेल बट दैट स्नेक्स आर लाइक कि वो उनका घर है. So we are going to their home, right? Absolutely. And they are not like they are harming us. They are there. One of our forests, we have golden jackal as well. We had kids of them and they were so cute. So wo bhi nahi ki aisa ki they are harming us. They have their own space and they are living, they are co-living, right? Absolutely. So wo cheezein, sari cheezein unko ho rahi hai. Matlab aisa bhi kahin pe bhi nahi hai ki aap किसी चीज को हार्म कर रहे हैं. दिस इज समथिंग वहां पे जब हम छोटे से एक को देखते हैं तो छोटी छोटी बर्ड्स आना शुरू हो जाती है. कुछ कुछ तो ऐसे बर्ड्स वहां पे आए हैं हमारे पास के अंदर जो एक्सटिंक्ट होने वाले खत्म होने वाले हैं बट वी हैव सीन कि वहां पे उन चीजों का रीजन है. तो व्हेन वी टेक एज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट एजुकेशन व्हेन वी टेक पीपल टू आवर नेचर वॉक्स एंड व्हेन वी टेक दीज स्टूडेंट्स टू आवर नेचर वॉक दे फेस दोस थिंग्स दे सी दोस थिंग्स एंड they are like कि वो practically उन चीजों से जब उनको exposure मिलता है उनकी खुशी अलग level पे होती है. Absolutely. So then जब कभी भी लोगों को लेकर जाते हैं हम हमारे ऐसे you know man-made forest वगैरह have you ever faced any kind of a thing where people are hesitant because they're like अरे ये तो man-made है ये तो natural नहीं है. Does that ever happen? I am really not sure क्योंकि वो hesitation ही होता है. They are amazed कि is it man-made? Wow. Oh, that is beautiful. And
एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास में लाइक इस तरीके से होता है कि वी हैव लाइक हमारा कंटिन्यूअस काम चलता रहता है राइट सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस जहां पे 2 महीने के भी पेड़ है देन अगेन 6 मंथ पेड़ है देन 2 साल के पेड़ है एंड दे कैन clearly see that how growth what kind of growth we are giving them what kind of technology we are using and kis tarike se unke andar growth ho rahi hai so what is this they can see the growth difference as well ki theek hai 2 mahine mein yahan tha lekin 6 mahine mein wahan pahunch gaya 2 saal mein to pata nahi kahan pahunch gaya kahan pahunch jayega this thing absolutely so they are amazed with that and the most important point and the interesting point as I said the biodiversity jab wo wahan pe species ko dekhte hain live dekhte jo unhone sir net geo pe dekha hota hai adhiktar तो वो जब वो लाइव देखते हैं और इस तरीके से मतलब मुंबई जैसे शहर के अंदर उनको ये सब चीजें आराम से देखने को मिल जाती है तो उनको ऐसा नहीं होता कहीं पे कोई मारा सफारी पार्क या कहीं पे जाना है यही पर मिल रहा है लोग तो लाइक ठीक है हम लॉयन टाइगर्स नहीं दिखाते हैं लेकिन दी स्मॉल थिंग्स लाइक मेनी पीपल कम फॉर बर्ड वॉचिंग एंड दे आर सो हैप्पी टू सी दोस स्मॉल बर्ड्स दोस क्यूट बर्ड्स And ऐसा expectation ही नहीं होता कि सिटी में दिख जाएगा ये kind of a thing because we are so वो notion है हमारे दिमाग में कि यार ये सिटी है यहाँ पे तो सिर्फ pollution है ये है वो है and then when you see this it's like a sight to sore eyes and this is all part of our climate education this is again and again I'm using this word because it is nothing and less कि कहीं से भी कोई connected नहीं है it is all connected to the education part only we are making them aware ki how these things are important how these things are really connected to us like humne jab ye kiya hai jab humne wo ek plant lagaya uski wajah se ye sab cheeze hui hai wahan ka soil quality increase hua hai wahan ka water index increase hua hai agar hum baat kare to jo hamare yahan pe kuch aise sites bhi hai jahan pe humne jab plantation kiya to water level was so deep and us plantation ki wajah se it is high So these are the things जो आज हमने ठीक है हमने इतना borewells लगा के like again this this is connected to education like कि borewells लगा के water level हम ground का zero कर चुके हैं या बहुत low कर चुके हैं so जब ये चीजें हमने करी उन्हें हमने बताया they did the plantation by themselves and they did the पूरा plantation का उन्होंने जब review किया सब चीजें देखी then they got to know कि okay water level इतना high हो गया now the water crisis जो अब नेक्स्ट अभी हम क्लाइमेट क्राइसिस की बात करें बट आई एम श्योर एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम श्योर अबाउट दिस कि नेक्स्ट 5-10 इयर्स के अंदर वी विल टॉक ओनली एंड ओनली अबाउट वाटर क्राइसिस सो ड्रिंकिंग वाटर हमारा इतना क्राइसिस होने वाला है सो अभी से अगर हम इनके ऊपर काम करना शुरू करेंगे इन चीजों को पहले हमें समझना पड़ेगा देन हम जब काम करना शुरू करेंगे तो हम आगे इनके ऊपर काम करेंगे एंड द मोर हैंड्स दैट वी विल हैव हु विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एफॉरेस्टेशन दैट मच बेटर बिकॉज उतनी हम ग्रीनरी बढ़ा पाएंगे अगर सब इसकी इंपॉर्टेंस समझ पाए तो सो सी मैं मतलब बात करती हूँ कि ठीक है अभी बिकॉज हम यहाँ पे बात करें हम किस तरीके से करते हैं हम इसलिए हम बार बार ग्रीन यात्रा की बात कर रहे हैं तो हमारी यूएसपीज तो होती है कि हम बात करते हैं जैसे सैंड्रा है वो बहुत अच्छा सेशन जब लेती है तो पूरा क्विजेस एंड डीआईवाई उनको बताती है कि आप किस तरीके से करो हमारे वर्कशॉप्स के अंदर डीआईवाई रहते हैं दिस आई थिंक सैंड्रा विल एक्सप्लेन देन इट विल बी बेटर हाउ शी डज इट Right. So DIY quizzes is basically very simple things. Like example, like ma'am ने कहा कि हम solutions बताते हैं उन्हें जब we when we are giving them our session. तो you know very basic simple things. जैसे कि example, if you want to use a face scrub. ठीक है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ शॉप एंड बाइंग अ फेस स्क्रब जो आएगा एक प्लास्टिक के बॉटल में जो डेफिनेटली रिसाइकल नहीं होने वाला इजिली हम उसे बना सकते हैं कॉफी एंड शुगर को ग्राइंड करके वो अच्छा सा बन जाएगा या फिर इवन टमेटो से बन सकता है टमेटो एंड आटे से थोड़ा सा एक स्क्रब बनकर इट्स नेचुरल यस बेनिफिशियल टू द स्किन डेफिनेटली एंड यू आर ऑल्सो रिड्यूसिंग ऑन प्लास्टिक वेस्ट एंड हम एनकरेज करते हैं लोगों को कि यू गो एंड यू एक्चुअली ट्राई दिस एंड इट इज एज सिंपल एज दैट जस्ट गो बैक टू यूट्यूब एंड सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स एंड डू देम योर सेल्स दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली डू प्लास्टिक वेस्ट एज वेल एज केमिकल वेस्ट लाइक अगर हम बात करें तो देयर इज अ रिसर्च वे हमारा सनस्क्रीन है सो हमारे जो सी है बिकॉज जब भी लोग बीच पे जाते हैं एकदम खूब सारा सनस्क्रीन लगा के जाते हैं सी के ऊपर एक लेवल आ चुका है पूरा सनस्क्रीन का केमिकल का केमिकल्स का एग्जैक्टली एंड दीज आर लाइक डेली स्टफ तो यू नो इन्हीं से छोटी 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 चीजों से हमारा ज्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है हमारा ज्यादा व्हाट यू से माइक्रो प्लास्टिक्स जो हम यू नो वी आर गिविंग आउट इनटू द एनवायरनमेंट वो भी इंक्रीज हो रहा है सो ऐसे डीआईवाईज करके यू नो इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग फॉर पीपल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट दे कैन डू एंड हाउ दे कैन
do different kind of things, different sorts of quizzes. Jaise ki there are this ek quiz to ke bare mein maine aapko bata hi diya tha already about the carbon footprint calculation. There are multiple other quizzes. There are quizzes where you can calculate your carbon handprint, you can calculate earth overshoot day. Ye sari cheeze hum jab logon ke saath karwate hain, so they come to know more about the entire idea of climate impact. So earth overshoot day ka to again it's available online. Ek quiz hai jisse you come to know kitna consumption ho raha hai, and with that consumption basically samajh mein aa jata hai ki if हर कोई lives the way I live, तो हमें कितने earths required होंगे. And it has been so many years, and even now after I can say 4 to 5 years of being into this field, I still manage to get 3.5 earths. That is how much I end up using in one entire year, my regular lifestyle. And then when I tell people कि you know इसी को multiply करो by the 7 billion people on our planet, imagine yes. the amount of earths, isn't it? Because earth overshoot day पहले होता था October, November. अभी it has come all the way to July, which is terrible. And we need to understand कि हम हमारा resources ओवर यूज कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कुछ ही नहीं बच रहा. लाइक यू मेंशन अबाउट द 1.5 डिग्रीज, हमें कम करना है. इनफैक्ट हम उसको एक्सेलरेट करके और जल्दी पहुंच रहे हैं उसके ऊपर. सो दिस काइंड ऑफ क्विजेस आर व्हाट वी ट्राई टू प्ले. एंड कार्बन हैंड प्रिंट इज बेसिकली जैसे फुटप्रिंट होता है, वी आर डूइंग एक्टिविटीज टू डिटोरिएट द अर्थ. हैंड प्रिंट इज द एक्टिविटीज दैट वी डू ताकि हम यू नो वी कैन गिव टू मदर अर्थ, वी कैन डू गुड थिंग्स. सो सिंपल वे टू कैलकुलेट कार्बन हैंड प्रिंट इज जस्ट कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल ऑफ द एक्टिविटीज दैट वी आर यू नो डूइंग एंड वी आर ट्राइंग टू वी कैन चेंज इन आवर डेली बेसिस. इट्स एज सिंपल एज आस्किंग यू नो एक लिस्ट बना दो द थिंग्स दैट आई डू. The things that can be replaced with that. Example, jaise ye scrub ka cheez. Instead of buying a scrub from the market, I made my own scrub. I have added to my carbon handprint. It's as simple as that. You know, it's these terms sound very fancy and difficult, but actually they are so simple to, you know, do in our daily life. So ye sari cheeze hoti rehti hai, and again, I can't stress enough on how much jab लोग सुनते हैं ये सारी बातें, दे आर लाइक ओह माय गॉड ये क्या है, दिस इज सो नाइस, दिस इज सो इजी. बट आई डोंट नो हाउ मेनी एंड अप डूइंग. आई रियली होप पीपल एंड अप डूइंग देम. सो दिस इज एज आई सेड लाइक दिस इज नॉट लाइक हम ऐसे ही कर रहे हैं क्योंकि एक दिन हमारे वन फाइन डे हमारे दिमाग में आया क्लाइमेट एडुकेशन करना चाहिए. दिस इज ऑल्सो अलाइंड विद द यूएन एसडीजी गोल्स एज वेल. And we have like it is not the climate education, like education ka jo hai SDG goal 4 is totally about education. But we are going into deeper and we cater this 4.7, 12.8.1 and 13.3.1. So if I tell you about this ki 4.7 is like in short karte hum jo bhi log hai unko proper appropriate knowledge mil sake, education mil sake ki sustainable development kaise hona hai, so that matlab kis kis cheez ko kaise kya kya aap kya tarike hai unko karne ke liye. क्या तरीके आप क्या वेज आप एक्वायर कर सकते हैं सो दैट हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ आगे बढ़ सके. सिमिलरली 12.8.1 अगर हम बात कर सके तो उनको कंजम्पशन 12 जो वोट है हमारा दैट इज कनेक्टेड टू रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन. सो हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल एज ए सेट एज सैमरा गिव द एग्जाम्पल ऑफ फेस स्क्रब राइट. So this is responsible consumption again, कि आप रिप्लेस करें किसी उस चीज को किसी इको फ्रेंडली चीज से सो दैट आप ज्यादा प्रॉब्लम ना लाए क्लाइमेट के लिए राइट. सो 12.8.1 बोलता है कि हम वही अगेन उसी तरीके का एजुकेशन लोगों को अवेयरनेस हम क्रिएट करें ताकि वो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग की तरफ आगे बढ़ सके. Then 13.3.1 की हम बात कर सकते हैं, इट इज अबाउट raising the awareness, humans ke andar awareness. So these are catered with climate education only. Ki hume zyada se zyada UN ka bhi emphasis hai ki awareness, education and knowledge, jitna hum spread kar sake, jitna hum logo ko bata sake, hume wo karna hai. So that people can reach their goals, these goals jitna jaldi ho sake. 2030 ka humne target rakha hai, we are already like 7 years are left, right? बट हम कितना जल्दी उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम किस तरीके से कर रहे हैं, उस सब के लिए हमें ये जो क्लाइमेट एजुकेशन है इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट पॉइंट. जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं कि कैसे हो रहा है, उन्हें पता कैसे चलेगा. आपको जब तक पता नहीं है कि क्या क्राइसिस आ चुका है, किस लेवल पे हम पहुंच चुके हैं, दिस इज ऑल द मेथड ऑफ
making them aware. So these are the things जिसके थ्रू हम बता रहे हैं. And a lot of people के लिए SDGs, जब हम सोचते हैं क्राइसिस हो रहा है, लाइक अरे क्राइसिस हो रहा है, there's this whole concept on eco anxiety, but then teaching them about solutions becomes very crucial, and that is something that we are making sure that we are covering in our climate education. Ki problem to hai, but ab karna kya hai, how do you tackle with it, that is what makes our program very unique from all of the others. Yes. So, topics as Sandra ने बार बार बताया आपको, हम लोग बहुत सारी चीजें, इट इज नॉट लाइक कि हम सिर्फ एक प्लास्टिक के ऊपर ही बात कर रहे हैं, या हम सिर्फ एक जो ग्लेशियर पिघल रहा है, तो क्योंकि आपका इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी के ऊपर बात कर रहे हैं. वी हैव डिफरेंट टॉपिक्स, इन टॉपिक्स के भी हमारे पास सब टॉपिक्स है. सो वी गो टू एज मच एज डिटेल, कीपिंग इट वेरी सिंपल फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दिस. So it is not like कि हम बहुत ज्यादा emphasis कर रहे हैं चीजों के ऊपर, it is something like कि हम लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि आप प्लीज इनको समझिए, these are the things इनके ये सब topics हैं जिनके through आप इनको सारा सब समझ सकते हैं. So then again यही है, how to reduce emissions and green washing अभी हमने बात करी थी, and भाई ग्रीन वॉशिंग आजकल सबसे ज्यादा हो रहा है, सो वी शुड रियली अवेयर ऑफ दिस ग्रीन वॉशिंग. दिस वी कैन हैव लाइक अनमोल ने हमारा ग्रीन वॉशिंग का सेशन भी लिया था लास्ट सैटरडे को, सो यू कैन गो थ्रू दैट एंड यू कैन अंडरस्टैंड लाइक ग्रीन वॉशिंग अभी क्लाइमेट क्राइसिस के अंदर किस तरीके से इतना ज्यादा अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं ग्रीन वॉशिंग. एंड थैंकफुली इंडियन गवर्नमेंट ने तो अभी रूल्स भी करे हैं कि ग्रीन वॉशिंग अनएथिकल प्रैक्टिस डिक्लेयर किया उन्होंने. सो होपफुली इससे बहुत सारी चीजें चेंज होंगी. Fingers crossed. Yes. These are the few things, few examples. आप सैंड्रा को देख सकते हैं इसके अंदर. सैंड्रा ने कई अलग-अलग सिचुएशंस के अंदर अपने सेशंस दिए हैं. And ये हमारी पूरी टीम इसके अंदर डेडिकेटेडली काम करती है. हम लोग अलग-अलग तरीके से भी make them people make very comfortable, and it is not like हम बहुत सारा सब कुछ कर रहे हैं. हम बहुत आसानी से एंड बहुत फ्रेंडली तरीके से, मतलब इट इज समथिंग लाइक इट इज अ डिस्कशन, इट इज नॉट अ सेशन, इट इज अ इंटरैक्टिव डिस्कशन जहाँ पे लोग बताते हैं कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, देन हम अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं और फिर एक कंक्लूजन पे निकलते हैं कि व्हाट बेस्ट वी कैन डू. आई गेस दिस इज नॉट रिक्वायर्ड हियर. This basically is a little bit about the other allied initiatives that we have. Yes. So this is our vision, yaar. Matlab we can read it out that we believe that the future of our planet depends on the next generation. That's why we are committed to educating and empowering youth about the importance of sustainability and nature. And for us, youth is future generation as well as जो भी अभी हम लोग काम कर रहे हैं, we are also youth. हम कहीं पे भी कहीं कुछ गुजरे नहीं हैं. It is not only students only. So we believe that by teaching youth about the environment and providing them with opportunities to get involved, we can help them make a real difference in the world. This is actually our vision. And I hope हमारे साथ में आप सब भी जुड़ के और हम इस vision को आगे बढ़ाएंगे. Absolutely. Community engagement is something very important. Yes. That hum stress karte hain. So these are our partners who are helping us in these initiatives. And I'm sure ye list aur bhi badi hoti jayegi. Ek din mein humare paas ye page kam padne wala hai. Then we'll add more pages in this. Thank you so much. I hope ये session आप लोगों को काफी कुछ insight दिया होगा. If you have any queries, please let us know. We'll be happy to answer you in those. And thank you so much, ma'am. This was a very, very insightful session जो आपके साथ. First of all, तो ये conversation जैसा था, तो वो बहुत ज़्यादा और मज़ा आया. कितनी सारी नई चीज़ें सीखने मिली. It was very interesting. And you are working very hard on this, and I'm sure हम कुछ अच्छा करेंगे. Definitely, I am sure together we will actually be able to achieve what we have in our vision. And thank you so much, viewers, and we hope to see you in our next Saturday session. Thank you so much. Bye.